मध्य प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार गजलकार श्रीमती ममता तिवारी की पुस्तक रफूगरी का विमोचन प्रख्यात व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी और फिल्म कलाकार राजीव वर्मा ने किया। राजधानी भोपाल में आयोजित एक गरिमामयी कार्यक्रम में विनय उपाध्याय और बद्र बास्ती ने लेखिका ममता तिवारी की रचनाओं पर प्रकाश डाला। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी और राजीव वर्मा ने श्रीमती ममता तिवारी की कृति को श्रेष्ठ बताते हुए कहा कि श्रीमती ममता तिवारी साहित्य को जीने वाली शख्सियत हैं। गौरतलब है कि श्रीमती ममता तिवारी पेशे से रसायन शास्त्र की प्रोफेसर हैं, लेकिन साहित्य में उनकी रुचि उनको अलग खड़ा करती है। वे पिछले 10 सालों में लगभग 11 कृतियों की रचना कर चुकी हैं। मैं 2010 में मेरी पहली किताब प्रकाशित हुई थी, उसके बाद लगातार 11 किताबें प्रकाशित हुई, तो ये रफूगरी जो है उन 11 पुस्तकों का संकलन है, मतलब उनका मैंने कंपाइलेशन किया है और उसमें से चुन के कुछ कविताएं इसमें डाली है। और आपके सामने मैम, इस किताब को लेकर आप जो है लोगों, श्रोताओं को या पाठकों को कैसे उपलब्ध होगी? अमेजोन पे आएगी, फ्लिपकार्ट पे या कोई प्रकाशन भी आएगी? और इसमें मेरा ईमेल आईडी है और एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब दिया हुआ है, तो मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं वो करूँगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो अमेजोन पे तो आएगी जी, और चूंकि रफूगरी पर है तो मैं रिश्तों, जिंदगी और लोगों पे बात करती हूँ, तो और मैं चाहती हूँ सब पॉजिटिव बातें हों, सकारात्मक बातें हों, और हम सब अपनी ज़िंदगी में जो भी जो भी वो कर रहे हैं। किताब मेरी ये है रफूगरी, और मेरा ये कहना है कि हर यहाँ मौजूद है हर इंसान में एक रफूगर, बात ये दीगर है कि कभी मेरा कभी उसका घर, ज़रूरी तो नहीं हर खोज को सुई धागे की ज़रूरत हो, हम सब जानते हैं रिश्तों को रफू करने का हुनर। बहुत बहुत शुक्रिया।